हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप डिज़ाइनर बॉर्डर भी कह सकते हैं या आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए मोटी ऊन ली है और यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज की है। आप कोई भी ऊन ले सकते हैं, अगर आपकी बेबी ऊल है, नॉर्मल ऊल है तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे, अगर थोड़ी सी मोटी है तो 9 नंबर की सिलाई आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए आज मैं आप लोग को डबल सिलाई पे फंदे डाल के दिखाऊंगी और ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये डिज़ाइन जो आपको बनाना है वो आपको 10 के मल्टीपल + 1 फंदा एक्स्ट्रा, यानी 10 के गुड़े के हिसाब से आपको फंदे लेने हैं। एक फंदा आपको ज़्यादा लेना, जैसे आप 90 फंदे ले रहे हैं तो एक फंदा ज़्यादा 91, ठीक। 80 ले रहे हैं तो 81, 70 ले रहे हैं तो 71, ऐसे। तो यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे आप नॉर्मल फंदे डालते हैं, तो मैं यहाँ पे जब फंदे डालती हूँ तो कोई नॉट नहीं बनाती हूँ, ठीक। आपको ये दोनों सिलाई ऐसे लेना है, ठीक। ये वाला जो पार्ट है ना, आपको लास्ट में ये दोनों का मतलब एक फंदा रखना है, तब ताकि आपको नॉट ना बनाना पड़े, यानी गांठ ना डाल। तो आपको ऐसे आपने एक बार ऐसे ट्विस्ट करके लपेट लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए आप ऐसे सिलाई के ऊपर डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये दो फंदे हमने, अरे दो धागे लिए हैं, एक फंदे बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे, ये देखिए ऐसे कर लिया, ठीक। फिर से ध्यान से देखिए, इसको हमने एक चीज़ और, ये जो डबल धागा है इसको हमने लेफ्ट हैंड में लेना है और सिंगल वाला, अरे सॉरी डबल वाला राइट हैंड में और सिंगल वाला लेफ्ट, यानी जो डबल धागा हमने लिया है उसको सीधे हाथ में लेना है दाहिने हाथ में, और जो सिंगल है उसको बाएं। फिर से हमने इसको ऐसे लिया, इस पर ऐसे लाना। ये डिज़ाइन जो आप बनाएंगे इसको आप डबल सिलाई पे डाल के ही बनाइएगा बॉर्डर, बहुत ही प्यारा ये बन के तब आएगा। जितना ढीला होगा उतना ही अच्छा ये बॉर्डर बन के आएगा, तभी मैं आप लोग को डबल सिलाई पे दिखा रही हूँ बना के। ऐसे ऐसे करते हुए आपको ये देखिए फंदे डाल लेने हैं। फिर से हमने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे, तो यहाँ पे देखिए हमने फंदे डाल लिए। हमने टोटल यहाँ पे 21 फंदे लिए हैं, यानी 21 फंदे। 10 के गुड़े के हिसाब से हमने यहाँ पे 20 फंदे लिए हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा, यानी 21 हो गया। अब इसमें से एक सिलाई हम धीरे से ऐसे निकाल लेंगे। आप कोई भी सिलाई निकाल सकते हैं, चाहे ऊपर वाली या नीचे वाली। अब देखिए ये हमारे डिज़ाइन जो है फर्स्ट रो से ही बनना शुरू होगा। आगे की साइड से देखिए एक फंदा हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, सीधा बनाएंगे ऐसे, ठीक। सॉरी, एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे उतारेंगे। अब यहाँ पे 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने यहाँ पे सीधा बना लिया। एक फंदा फिर से हम स्लिप करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदा सीधा, लास्ट में एक फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे, ठीक। उसको हमने बुनना नहीं। हम आ गए पीछे की साइड, जो स्लिप किया हुआ फंदा है यानी जो उतारा हुआ फंदा है उसको हम ऐसे उतार लेंगे। ऊन को हम करेंगे पीछे की साइड, 9 फंदे को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, यानी पीछे की साइड से भी हम फंदे को सीधा ही बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 9,
नौ फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाया। नौ फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी साइड एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे, नौ फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक नौ, फिर से धागे को अपनी साइड एक फंदा ऐसे उतार लेंगे। ठीक, एक फंदा हमने फिर से स्लिप किया। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ पे नौ फंदे पे ध्यान से देखिएगा, हमने दो दो बार लपेट के बनाना है, एक दो, दो बार लपेटा इन नौ फंदे पे, एक दो एक दो एक दो, बहुत इजी डिज़ाइन है ये और बहुत प्यारी भी बनेगी। अभी देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिए ये उतारा हुआ फंदा आप लोग को दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये देखिए इसको फिर से ऐसे स्लिप कर लेंगे यानी उतार लें, फिर से हम नौ फंदे पे लपेट के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक नौ, एक फंदा हम फिर से स्लिप कर लेंगे। ठीक, देखिए स्लिप किया हुआ फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे यानी उतार लेंगे जो फंदा हमने उतारा है। उतारने के पहले ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम देखिए चार फंदे डालेंगे सलाई से, एक दो तीन चार, चार फंदे हमने ये डाल लिया। अब क्या करना है, हमने इन फंदों को खोलना है, नौ फंदे को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ। अब यहाँ पे हमने नौ फंदे को देखिए ऐसे खोल लेना है। नौ फंदे को खोलने के बाद हम देखिए इस सिलाई पे ऐसे आगे की साइड से लेंगे और यहाँ पे सभी फंदे को हमने, एक भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए, सभी फंदे को हम यहाँ पे उल्टे साइड से उल्टा बुन देंगे ऐसे। ठीक, उल्टा बुनने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे चार फंदे हमने यहाँ पे, ये था एक पांच हो गया, फिर से अब यहाँ पे फिर से हम चार फंदे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन चार, चार फंदे हम लिए। अब टोटल यहाँ पे हमारे देखिए नौ फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमारे कम थे तो नौ हमारे एक डिज़ाइन में हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस फंदे को ऐसे स्लिप करना है। ठीक, स्लिप करने के बाद फिर से आप यहाँ पे चार फंदे लेंगे, एक दो तीन चार, फंदे स्लिप करने के पहले भी हमने चार फंदे लिए और स्लिप करने के बाद भी, यानी अब इन नौ फंदे को खोलना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे को खोला हमने। अब यहाँ पे इन नौ फंदे को हम उल्टे साइड से एक साथ बुन देंगे, ध्यान दीजिएगा, अरे सॉरी, कोई भी फंदा आपका फंसने ना पाए इधर। फिर से अब यहाँ पे हम चार फंदे लेंगे, अरे सॉरी डालेंगे,
एक दो तीन चार, एक फंदा इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद अब हम आ गए आगे की साइड। आगे की साइड आने के बाद हम सभी फंदे को बनाएंगे। देखिए सीधा सीधा एक एक फंदे करते हुए हम सभी फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे। ये फंदे हमने जो डाले हैं इसको आपने थोड़ा आराम से बुनना है, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल डाले हैं तो थोड़ा लूज होते हैं ये फंदे। ठीक, इसको भी आपको सीधा बना लेना है। यहाँ पे 10 फंदे की एक डिज़ाइन हमारी होती है। यहाँ पे हमने 20 फंदे लिया था और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 डिज़ाइन बन के आई है। अब देखिए, आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी खूबसूरत 2 डिज़ाइन बन के आई है। अब यहाँ पे हम पहले फंदे को काउंट करेंगे ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हमारे फंदे कम तो नहीं हुए। तो चलिए अभी हम काउंट कर लेते हैं आप लोग के सामने। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 × 2 = 20 और 1 = 21। तो टोटल हमारे यहाँ पे देखिए 20 फंदे हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा, 21 फंदे। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी डिज़ाइन बन के आई हुई है। 2 डिज़ाइन हमारे यहाँ पे बनी है, एक डिज़ाइन ये 10 फंदे की, एक डिज़ाइन ये 10 फंदे की। ठीक, तो देखिए ये हमारी 2 डिज़ाइन, बैक साइड से ये डिज़ाइन ऐसे आती है और फ्रंट साइड से ये देखिए, इसको आप बच्चों के देखिए सॉक्स पे भी डाल सकते हैं या उनके कैप पे भी बॉर्डर में डाल सकते हैं। ये ऐसे ज़िगज़ैग बनेगा, तो कितना खूबसूरत। अब इसके ऊपर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फंदे बढ़ा के आप बना सकते हैं। कि आपको इसके ऊपर फंदे बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा के फिर इसको डिज़ाइन को आप बनाइए। कितनी खूबसूरत डिज़ाइन ये बन के आई है, ध्यान से देखिए आप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।